काल में हूँ, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत चीजें देखी हैं जिनके अंदर जब गलत आदमी अपने आप ही नीचे आ जाए। फोन आ रहे हैं कि आप अड़ंगा करो। मैं सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ, कानून हाथ में नहीं ले पा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज सुबह देश के 4 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। राजस्थान सहित दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में विभाग ने रेड की है। मिड डे मील की सप्लाई में गड़बड़ी को लेकर के इस छापेमारी में विभाग के हाथ राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव तक पहुंचे। मंत्री और उनके रिश्तेदारों के यहां सुबह से ही टीमें सर्च कर रही हैं। करीब 53 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी व CRPF के जवानों के साथ तैनाती भी की गई। बताया जा रहा है कि राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग फैक्ट्री में हुई कमाई को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। राजेंद्र यादव इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, जबकि राजेंद्र यादव के बड़े बेटे मधुर यादव कंपनी के प्रबंधक हैं। वहीं कार्रवाई में लगभग 100 से ज्यादा वाहनों का उपयोग किया गया। आप वहाँ जाके उन इनकम टैक्स वालों से पूछे, भाई आप आए हो, आप किस यात्रा में, क्या आप जा रहे हो, आपको कोई इनपुट है तो आप उनसे पूछ लो, भाई किस वजह से आए। हम तो उनसे पूछा, उन्होंने साहब सर्च है, हमें सरकार ने भेजा, हमने सौहृदय से करो, हम भी चाहते हैं अगर हमें कुछ करना होता तो आज हमारे पास कोई यहाँ दिक्कत थोड़ी। हजारों कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं कि आप अड़ंगा करो। मैं सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ, कानून हाथ में नहीं ले, सच्चाई से हम लोग बैठे, हमारा कोई अगर गलत चीज आती है सामने आ जाएगी। कोई चीज ऐसी तो है नहीं कि किस चीज का वो है ना, हमें इन चीजों में जब ठीक है, इनकम टैक्स अगर आया है जांच कर लेगा, जांच में अगर उनको कोई चीज गलत लगती है उसका जवाब हमारे पास, हम जवाब देंगे। छापामार कार्रवाई में बड़ी संख्या में काले कमाई उजागर होने की आशंका जताई जा रही है। यादव ने कहा कि अगर आयकर की कार्रवाई में कोई राजनीतिक दुर्भावना होगी तो वह भी सामने आ जाएगी। पॉलिटिकल फंडिंग से नाम जोड़ना गलत है, हमारा पैकेजिंग का काम है, मिड डे मील से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम कट्टे और पैकेजिंग सामान बनाते हैं, यहाँ से कट्टे जाने के बाद उसमें कोई क्या फटता है इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। पंजाब केसरी से रौनक पारेख और हरिनाम सिंह की रिपोर्ट।